सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ शावर जेल के, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ पर निविया शावर जेल फ्रांजीपानी एंड ऑयल का ये शावर जेल है, और ये कई वेरिएंट्स में भी आपको निविया के शावर जेल्स मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट वेरिएंट की बात कर लेते हैं, निविया शावर जेल वाटर लिली एंड ऑयल। सेकेंड वेरिएंट की मैं बात कर लूँ, निविया शावर जेल लेमन एंड ऑयल। और थर्ड वेरिएंट की मैं बात कर लूँ, निविया शावर जेल फ्रेश पावर फ्रूट। आपको थ्री वेरिएंट्स में अवेलेबल कहीं पर भी इजीली मिल जाएंगे, जैसे कि मेडिकल स्टोर हो या कहीं पर भी ऑनलाइन पर हो, आपको इजीली मिल जाएंगे ये शावर जेल्स। अब बात कर लेते हैं इस निविया फ्रांजीपानी एंड ऑयल की शावर जेल के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर फ्रांजीपानी है, ये एक साउथ अमेरिका का फ्लावर है, जो कि ये निविया का शावर जेल उस फ्लावर से बना हुआ है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही डिसेंट है। अब इसके टेक्सचर की बात कर लेते हैं, बहुत ही स्काई ब्लू कलर का इसका कलरिंग में है ये, और इसके टेक्सचर बहुत ही जेल टाइप टेक्सचर है, स्मूथ है टेक्सचर इसका। और इसकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, 125 ml इसकी क्वांटिटी। और इसके प्राइस की मैं बात कर लूँ, इसका प्राइस है 99 rupees, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैं बात कर लूँ, आप देख ले सकते हैं इस तरह से इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, और ये बहुत ही ट्रैवलिंग सेफ शावर जेल है ये। और इसकी मैं बात कर लूँ, ये हमारे मॉइस्चराइज को हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है हमारे स्किन को। इसके बेस्ट रिजल्ट्स के लिए मैं एक आपको टिप देने वाली हूँ, जैसे कि इसको एज ए फॉर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट आफ्टर यूजिंग दिस शावर जेल, यू हैव टू यूज़ दिस शावर जेल विथ लोफा। आपको लोफे से ही इसको यूज़ करना है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही डिसेंट वाली फ्रेगनेंस है, बहुत ही हार्ड वाली नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ की मैं बात कर लूँ, 2 years की इसकी शेल्फ लाइफ है, और ये हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एंड स्मूथ वाला फिनिश देता है। और मैं बात कर लूँ कि आपको एक प्लस पॉइंट इसके बारे में बताने वाली हूँ, जैसे कि इसमें कुछ स्किन का टाइप मेंशन नहीं है ये, इट कैन बी यूज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, जैसे कि सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है। आफ्टर यूजिंग दिस शावर जेल यू फील योर बॉडी लाइक सॉफ्ट एंड स्मूथ वाला टेक्स्चर देगा ये हमारे बॉडी को। और इसकी फ्रेगनेंस की तो मैं बात कर लूँ, जैसे कि ये टोटल 24 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगी इसकी फ्रेगनेंस। जी हाँ बिल्कुल, इसकी फ्रेगनेंस 24 आवर्स तक इसकी फ्रेगनेंस रहेगी। और मैं बात कर लेती हूँ, इन लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखा हुआ है कि हम किस तरह से यूज़ करें, कुछ लोगों को शावर जेल के बारे में नहीं पता होगा, तो लोग इनका डायरेक्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इन लोगों ने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे हुए हैं, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। और इसकी शेल्फ लाइफ तो मैंने बताया, 2 years की इसकी शेल्फ लाइफ है। और ये जो भी केयर ऑयल पर सेंट ऑफ फ्रांजीपानी फ्लावर्स, जैसे कि इसके अंदर एलो बीट्स आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे मुझे तो नहीं पता, मगर इसके अंदर छोटे छोटे करके जो एलो बीट्स हैं ये बहुत ही स्मूथ है। कुछ लोग ऐसा एज ए स्क्रब ये यूज़ नहीं होगा, जब भी हमारे बॉडी पर टच होगा तो बहुत ही जेंटल एंड स्मूथ रहेगा। कुछ लोगों को फिक्र होती है कि उसमें एलो बीट्स है, मीन्स एज ए स्क्रब की तरह तो काम नहीं करेगा। जी नहीं, बिल्कुल एज ए स्क्रब की तरह काम नहीं करेगा, बहुत ही जेंटल एंड स्मूथ है। आफ्टर यूजिंग दिस शावर जेल यू कांट लीव दिस शावर जेल। बस मैं ये बात बताने वाली, जब भी आप इस शावर जेल को यूज़ करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये स्किन को कितना अच्छा मॉइस्चराइज करके रखेगा और कितना इसकी फ्रेगनेंस लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और ये ओनली फॉर बॉडी के लिए है, अपने फेस पर मत लगाइए आप। जैसे कि कुछ लोग शावर जेल्स को भी अपने फेस पर अप्लाई करते हैं एज ए फेस वॉश की तरह, इस तरह से अपन यूज़ नहीं करना है इसे, सिर्फ ओनली फॉर बॉडी के लिए है। फिलहाल ये था मेरा निविया का फ्रांजीपानी ऑयल का शावर जेल का रिव्यू। अगर आपकी मर्ज़ी भाई, अगर आप यूज़ करना चाह रहे तो यूज़ करो, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के मैं वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। We'll be right back.